Assalamualaikum, dear students. How are you all? I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Barwal. So, dear students, in our previous lectures, we talked about family and society. On the basis of so many differences, we live with one another because we all belong to the same country, and that is Pakistan. हम लोगों ने ये भी रीड किया कि फैमिली के मेंबर्स में भी डिफरेंसेस होते हैं, सोसाइटी में जो लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, बट वी बिलोंग टू द सेम कंट्री एंड दैट इज पाकिस्तान. सो डियर स्टूडेंट्स, टेल मी हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन पाकिस्तान? यस, वेरी गुड. देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान. द फर्स्ट वन इज पंजाब, सेकेंड वन इज, वेरी गुड, सिंध, थर्ड वन इज बलोचिस्तान, फोर्थ वन इज KPK and the fifth one is Gilgit Baltistan. अब जिस तरह से फैमिली एंड सोसाइटी के लाइकिंग, चॉइसेस एंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, इसी तरह से यूनिट्स में भी डिफरेंस होता है. ठीक है, किस तरह से, क्या उनकी लैंग्वेज सेम है? नो, लैंग्वेज भी डिफरेंट है. आर दे हैव सेम ड्रेसेस? नो, दे डोंट हैव सेम ड्रेसेस. क्या उनके डिशेज जो के खाने खाते हैं क्या वो सेम है? नो, दे आर नॉट सेम. And also their living style is different. ये क्या है? ये सारे differences हैं. Different हैं ये एक unit के दूसरे unit के लोगों से. ठीक है? But still we respect them. हम उनकी language, dresses, dishes वगैरह की respect करते हैं, living style की. और उसके साथ we all are same. On what basis we are same? Because we belong to one country. And that is Pakistan. That is why we all are Pakistanis. And we all are one and we all are same. Now open your books. Page number 8. Page number 8 pe your third stanza. Anwar is Egyptian. Anwar Egyptian hai, yani ki wo Egypt se belong karta hai. Kim is Japanese. Kim kaun se country se hai? Japan se. That is why he is Japanese. But both run beneath the sun. बीनीथ का मीनिंग मैंने आप लोगों को राइट करवाया था. वेरी गुड. बीनीथ का मीनिंग होता है नीचे. एंड फ्लाई काइट्स इन द ब्रीज. और दोनों को काइट्स उड़ानी पसंद है ब्रीज, हवा में. अनवर एंड किम, दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्री, बट दे बोथ लाइक टू फ्लाई काइट्स इन द ब्रीज. नाउ वी हैव डन आवर बुक रीडिंग. ओपन योर इंग्लिश नोटबुक्स, राइट योर डे, योर डेट एंड टेक योर होमवर्क. टुडे आवर टॉपिक इज वर्ड्स ऑपोजिट्स. मेरे साथ राइट करेंगे सब बच्चे डब्ल्यू ओ आर टी एस वर्ड्स, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई एस वर्ड्स ऑपोजिट्स. फर्स्ट वर्ड है हमारा लाइक, एल आई ए ई लाइक. ऑपोजिट इसका क्या होगा? डिसलाइक. लाइक का उर्दू मीनिंग होता है पसंद करना. और ऑपोजिट dislike, D-I-S-L-I-K-E, dislike. Second word है हमारा shady. Shady का उर्दू मीनिंग क्या राइट करवाया था? सायादार. उसका ऑपोजिट क्या होगा? Sunny, very good. S-U-N-N-Y, sunny. Next word है हमारा log, L-A-U-G-H, log हंसना. ऑपोजिट इसका क्या होगा? Cry, C-R-Y, cry. नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाइट, एन आई जी एच टी, नाइट, नाइट रात. ऑपोजिट इसका क्या होगा? डे, वेरी गुड. ऑपोजिट तो सब बच्चों को आते हैं. नाउ योर नेक्स्ट वर्ड इज नियर, एन ई ए आर, नियर. नियर का मीनिंग होता है नजदीक. उसका ऑपोजिट क्या होगा? दूर, एफ ए आर, फार. फार का मीनिंग होता है दूर. Now we have done our words opposites. Write करने के बाद सब बच्चे इसको learn करेंगे. And you have to write on your rough registers. Practice करेंगे सब बच्चे rough registers पे. Okay, grade 3. Thank you very much.